एक गांव में सोमू नाम का एक बूढ़ा राजमिस्त्री अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफी बीमार रहती थी। सोमू को अपनी पत्नी की सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन सोमू गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया। क्या हाल है सोमू, ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठा हुआ है? अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी की चिंता सताए रहती है। अरे तू उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जा, शहर में उसका अच्छा इलाज हो जाएगा। शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है मुखिया जी, मैं तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ, भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुकाऊंगा? तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सही कह रहा हूँ, तेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है तो तू उसका इलाज नहीं करा सकता, और वैसे भी तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, अगर ठीक भी हो गई तो कितने साल और जिएगी? मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के मुखिया हैं, मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। अबे तुझे कौन काम पर रखेगा सोमू, अपनी हालत तो देख, चलते हुए तो तेरी टांगे कांपती हैं। तू भला किसी का मकान क्या बना सकता है? तू बस अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए दाल बना, मकान बनाना तेरे बस का अब नहीं रहा। 70 साल से ऊपर का तो तू वैसे भी हो गया है, और फिर ये उम्र आराम करने की होती है। ये गलत बात है मुखिया जी, अगर सोमू चाचा बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं कह देते कि आप उनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? तुझसे कितनी बार कहा है बल्ली कि जब मैं किसी से बातचीत करा करूं तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाया कर। मुखिया की बात सुनकर बल्ली चुप हो गया। वैसे सोमू मेरे पास एक उपाय है, अगर तू उस उपाय को कर लेगा तो तू जिंदगी भर सुखी रहेगा, तेरे हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और तेरी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा। तो फिर जल्दी बताइए मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सोमू तेरा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है, तू जमीन को किसी को बेच दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और तू किसी और को क्या बेचेगा? तू एक काम कर, तू उस जमीन को मुझे ही बेच दे। आपका मतलब मैं अपना घर बेच दूं? अब तेरी बात समझ में आई? हाँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुखिया जी, मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता, वो घर मेरे पुरखों का है, मेरे पुरखों की निशानी है। अबे ऐसे पूर्वजों की निशानी का क्या फायदा बे, जो वक्त पर काम ना आए, सोच ले और समय ले ले, मैं तेरा मकान अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हूँ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, समझा? किसी कीमत पर नहीं, और एक बार और उस मकान को बेचने का मेरे मन में विचार भी आ जाता, लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी, उसकी यादें इस मकान में ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो फिर उन यादों को बाजार में बेचा, उससे तुझे जितनी आमदनी होगी उससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। इतना कहकर मुखिया सोमू का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। सोमू की आंखों में बेबसी के आंसू छलकने लगे। दिल छोटा मत करो सोमू चाचा, हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा करो। उसी भरोसे पर तो आज तक जिंदा हूँ बल्ली, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते, मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इस बुढ़ापे में भी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं आज भी वो मकान बनाकर तैयार कर सकता हूँ जिसे बनाने में आज के नौजवानों के पसीने छूट जाएं। भाई मैं आज भी एक से एक बेहतर डिजाइन बनाकर तैयार करके दे सकता हूँ। जुम्मन जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है, आप वहाँ पर बात करके क्यों नहीं देख लेते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जाकर जुम्मन जमींदार से मिलना चाहिए, अगर उसे आप पर भरोसा हो गया तो वो आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूँ चाचा, आपके जैसा कुशल राजमिस्त्री आज भी कोई नहीं है। शायद तुम सही कहते हो बल्ली, मैं कल ही जुम्मन जमींदार के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ बल्ली, मालती की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर सोमू अपने घर चला गया। उसकी पत्नी मालती को बहुत खांसी हो रही थी। सोमू तुरंत दवाई की शीशी लेकर मालती के पास पहुंच गया। ये लो मालती दवाई पी लो, लगता है तुमने सुबह से दवाई नहीं पी, डॉक्टर ने बोला था ना कि इस दवाई को सुबह शाम पीना है। इतना बोलकर सोमू ने दवाई मालती को पिला दी। दवाई पीकर मालती को आराम मिल गया। क्या तुमने सुबह दवाई नहीं पी थी? शीशी में दवाई कम रह गई थी, इस वजह से सोचा कि मैं दो वक्त की जगह एक वक्त इस दवाई को पीऊंगी, और वैसे भी दवाई तो रोज रोज की ही है ना। तुम तो जानती हो मालती, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो, तुम्हारे अलावा अब मेरा कौन है?
आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर वैसे भी बहुत लोगों का कर्जा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मालती, मैं उन सारे कर्जों को एक ही झटके में चुका दूंगा, बस मुझे काम मिलने की देर है। आज सुबह भी 2-3 कर्जदार तुम्हें पूछते हुए आए थे। चिंता मत करो मालती, सब ठीक हो जाएगा। गांव का मुखिया भी तुम्हारी गैर हाजिरी में आया था, बोल रहा था इस मकान को बेच दो। मालती की बात सुनकर सोमू की आंखों में आंसू बहने लगे। सच बताओ मालती, तो कभी कभी अब मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है। ऐसा भूल कर भी मत करना, अच्छी तरह से जानते हो कि इस मकान से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में आ जाती है। चिंता मत कीजिए, आप अपने जमाने के बहुत कुशल राजमिस्त्री रहे हैं, बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? नहीं मालती, आज भी कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन बल्ली बता रहा था कि जुम्मन जमींदार अपनी कोठी बनवा रहा है। तो फिर आप जाकर जुम्मन जमींदार से बात क्यों नहीं कर लेते? कल सुबह मैं जुम्मन जमींदार के यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह सोमू तैयार होकर जुम्मन जमींदार के घर के दरवाजे के पास पहुंचा। जुम्मन के यहाँ उस वक्त 2-3 शहरी लोग आए हुए थे। सोमू को देखकर जुम्मन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, सोमू आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? कहीं तेरी पत्नी मर तो नहीं गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जमींदार साहब? मुझे लगा तेरी पत्नी मर गई है और तुझे अर्थी के इंतजाम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तू मेरे पास आया है। लेकिन लगता है कि तेरी पत्नी अभी भी जिंदा है और तू उसकी दवाई के लिए मुझसे पैसे लेने आया है। गांव के लगभग हर व्यक्ति से तूने उधार पैसे ले रखे हैं, वो सब कैसे चुकाएगा? एक बार मुझे अगर काम मिल जाए तो मैं सबके कर्जे चुका दूंगा। तो तूने कहीं काम देखा क्या? तुझे कोई काम देने के लिए तैयार हुआ? उसी के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। बल्ली ने मुझे कल बताया कि आप यहाँ पर अपनी एक आलीशान कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए, मैं आपकी कोठी में वो डिजाइन बनाकर दूंगा कि आप उसे बस देखते ही रह जाएंगे। मैं अपने जमाने का बहुत कुशल राजमिस्त्री रहा हूँ। सोमू की बात सुनकर जमींदार गुस्से से देखते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है सोमू? मैं कोठी बनवा रहा हूँ, कोई ईंटों का भट्टा नहीं लगवा रहा जो मैं तुझे काम पर रख लूं। ये जो तुझे शहरी लोग दिख रहे हैं ना, ये सब इंजीनियर हैं। इनमें से एक मेरी कोठी का डिजाइन बनाएगा और दूसरा कुछ और। तू क्या चाहता है कि मैं अपने करोड़ों रुपए तेरे जैसे सड़क छाप बूढ़े के लिए खर्च कर दूं? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुझ पर भरोसा करूंगा? आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूं, तू यहाँ से खुद निकल जा, वरना लोग कहेंगे कि जमींदार ने एक बूढ़े पर भी तरस नहीं खाया। सोमू निराश होकर नीचे निगाह करके वहां से चला गया। सोमू की बीवी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। आसपास के गांव में कहीं भी मकान बनते, सोमू बेचारा वहां पर पहुंच जाता, मगर हर कोई सोमू को गालियां देकर भगा देता था। सोमू परेशान अवस्था में एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी उसने देखा कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। सोमू ने चाय वाले से पूछा, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? दिखने में तो अच्छे परिवार के मालूम पड़ते हैं। ये सामने सफेद शर्ट पहना व्यक्ति बैठा है ना, इसका नाम राकेश है, और जो दूसरा काले कोट वाला व्यक्ति है ना, इसका नाम गौरव है। राकेश इंजीनियर है और गौरव शहर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। गौरव को कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शुरुआत में राकेश ने हामी भर दी थी, मगर बाद में वो आनाकानी करने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राकेश का कहना है कि गौरव जिस तरह की बिल्डिंग बनवाना चाहता है वो नामुमकिन है, वो कोई तैयार नहीं कर सकता। ऐसी तकनीक भारत में विकसित ही नहीं है। भारत में तो क्या, बल्कि विदेशों में भी ऐसी तकनीक विकसित नहीं है। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि राकेश बहुत बड़ा इंजीनियर है। इंजीनियर है सोमू, कोई जादूगर नहीं। सोमू के दिमाग में पता नहीं उस वक्त क्या सूझा, वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ गौरव के पास जाकर बोला, अब मुझे सारी बात उस चाय वाले ने बता दी। जो आप बिल्डिंग तैयार करवाना चाहते हो मैं वो तैयार कर सकता हूँ। सोमू की बात सुनकर राकेश जो गुस्से में था वो जोर से हंसते हुए बोला, अबे पागल हो गया क्या है? यहाँ बिल्डिंग की बात चल रही है। हाँ तो बिल्डिंग और घर में क्या फर्क है? घर 2 या 3 मंजिल का होता है और बिल्डिंग में 5 या 6 मंजिल की होती है। अबे बुड्ढे, कहाँ तक पढ़ाई की है तूने? मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन मैं अपने जमाने का सबसे कुशल राजमिस्त्री रहा हूँ और आज भी हूँ। तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? ये जो बिल्डिंग के डिजाइन पास करवा के आया है, पहली बात तो उस डिजाइन की बिल्डिंग नहीं बन सकती, और दूसरी बात ये कि इसका बजट बहुत कम है। बजट का मतलब समझता है ना?
मतलब कम लागत में एक बेहतरीन डिजाइन वाली बिल्डिंग। मैं कम लागत में एक इससे बेहतर बिल्डिंग बनाकर तैयार कर सकता हूँ। गौरव जो अपने काम में बेहद निपुण था, वह सोमू की ओर बहुत गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता है, और वैसे भी जब मेरे प्रोजेक्ट पर कोई हाथ रखने को तैयार नहीं तो तुम्हें काम देने में क्या हर्ज है? अबे पागल हो गया क्या? तू भी डूबेगा और साथ में तेरी कंपनी भी डूबेगी। मार्केट में जाकर मेरे बारे में पता कर ले। सब जानते हैं कि मेरा अंदाजा कभी गलत साबित नहीं होता। मैं अपने पैसे कहीं गलत जगह नहीं लगाता। मैं मानता हूँ कि यह बूढ़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की चमक ये बता रही है कि इसमें वो टैलेंट है जो आज की पीढ़ी में नहीं है। मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ। गौरव ने पूरी जिम्मेदारी सोमू को दे दी। सोमू मेहनत से काम करने लगा। उसने कुछ ही महीनों में अपनी कुशल कारीगरी के बल पर बांस और बल्ली से एक बेहतरीन डिजाइन की बिल्डिंग तैयार करके खड़ी कर दी। सोमू की कारीगरी देखकर सभी लोगों की आंखें हैरान से फटी की फटी रह गईं। ये तो तुमने कमाल कर दिया सोमू। इस तरह की बिल्डिंग तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। अब मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन वाकई आपने तो ये काम करके दिखा दिया कि हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान आपके सामने तो कहीं भी नहीं टिक सकते। आपकी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका में है। अगर आप कहें तो मैं आपको अमेरिका ले जा सकता हूँ। नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं कहाँ विदेश जाता फिरूंगा। मुझे तो बस मेरा मेहनत आना चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। हमारा जो आपका तय हुआ था, मैं उससे 3 गुना आपको अधिक दूंगा। नहीं बेटा, मुझे सिर्फ उतने ही पैसे चाहिए जितने मेरे बनते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सोमू की ईमानदारी देखकर गौरव बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने सोमू ने कुछ ही दिनों में अपने सारे कर्जे चुका दिए और उसने अपनी पत्नी का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया और उसकी पत्नी की बीमारी सही हो गई। सोमू के पास देखते ही देखते अब इतना ज्यादा काम आने लगा कि सोमू को कई बार लोगों को मना करना पड़ता। एक दिन अचानक गौरव सोमू के घर पर आ गया। गौरव बाबू, आप यहाँ? क्यों, क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है सोमू कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ उस कंपनी के मालिक मिस्टर अजय आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि वो लंदन में रहते हैं। हाँ, उनकी फैमिली लंदन में रहती है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग की फोटोग्राफ उन्हें भेजी तो वो देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वो खुद को इंडिया आने से रोक नहीं पाए। तुम खुश नसीब हो सोमू जो मिस्टर अजय तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जानते हो मिस्टर अजय करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अमेरिका में उनकी कई बिल्डिंग्स हैं और विदेश में हर जगह उनके बंगले बने हुए हैं। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मिस्टर अजय ने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को बुलाया है। सोमू और मालती तैयार होकर गौरव की गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही घंटों में गौरव शहर में एक आलीशान बंगले के अंदर उन दोनों को लेकर आया। मिस्टर अजय बड़ी बेसब्री से सोमू और मालती का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सोमू अजय को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अच्छा तो तुम हो मिस्टर अजय, करोड़ों अरबों के मालिक। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी तुमसे मिलने नहीं आता। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। गौरव सोमू की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? ये मिस्टर अजय हैं, करोड़ों के मालिक। दुनिया के लिए ये मिस्टर अजय होंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता बेटा अज्जू है। सोमू की बात सुनकर गौरव बुरी तरीके से चौंक गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। सही कहा तूने बेटा, क्योंकि तू अपने गांव का पता तो जानता ही नहीं था। आज कितने सालों बाद जब तू हमें संयोग से मिला, तब भी तू हमसे झूठ ही बोल रहा है। ऐसा ही झूठ तूने आज से 20 साल पहले भी बोला था, जब तू बगैर बताए हमारे घर के कागजात गिरवी रखाया था और पैसे लेकर भाग गया था। तेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत करके अपने उस पुरखों के मकान को छुड़वाया। तूने पीछे मुड़कर ये तक नहीं देखा कि तेरे माता पिता किस हाल में हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा और भगवान ने मुझे उसकी सजा भी दी है। पिताजी, शादी के 20 साल बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। ये रुपया, ये पैसा मेरे किस काम का? सच तो यह है कि अपने ही माता पिता को धोखा देने के बाद मैंने रुपया दौलत पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कभी भी सुकून से सो नहीं पाया। मैं आप दोनों के साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ।
अपने गांव में रहना चाहता हूँ। इस देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर अजय फूट फूट कर रोने लगा। अजय को रोता देख मालती का दिल पिघल गया। इसे माफ कर दो जी। नहीं मालती, इसकी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। इसे इसके किए की सजा भगवान ने दे दी। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। ये हमारा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा, वही बेटा जो आपकी उंगली पकड़कर बड़ा हुआ है। मालती की बात सुनकर सोमू का गला भर आया। उसने अजय को गले से लगा लिया। इस जज्बाती मंजर को देखकर गौरव की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन से अजय अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ ही गांव में रहने लगा।